नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। बिहार के युवा नेताओं का जिक्र हो और चिराग पासवान का नाम सामने नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल चिराग पासवान की पार्टी का भले ही बिहार विधानसभा में कोई सदस्य नहीं हो, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत को उनके विरोधी भी कम नहीं आंकते हैं। हालांकि लोजपा में टूट होने की वजह से कुछ लोगों को ऐसा महसूस होने लगा था कि बिहार में चिराग पासवान की ताकत कम हो गई है, लेकिन इनकी रैलियों में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ता है और जिस तरह से समाज का एक बड़ा वर्ग इन्हें अपना नेता मानता है, उससे यह साफ है कि कहीं ना कहीं बिहार में आने वाले समय में चिराग पासवान बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। यही कारण है कि लोजपा रामविलास के बड़े नेता डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने कहा कि चिराग पासवान ने सत्ता बदलने का नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने का और नया बिहार बनाने का जन अभियान शुरू किया है। यानी कि लोजपा रामविलास के बड़े नेताओं का यह मानना है कि चिराग पासवान के नेतृत्व में नए बिहार का गठन होगा। वैसे भी भाजपा का झुकाव जिस तरह से चिराग पासवान की तरफ होता नजर आ रहा है, उससे यह साफ है कि चिराग पासवान बहुत जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। वैसे भाजपा चिराग पासवान को मंत्री बनाकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर सकती है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के वजह से ही जदयू को नुकसान हुआ था। ऐसे में बिहार में जदयू का एनडीए से अलग हो जाने के बाद भाजपा चिराग पासवान के सहारे नीतीश कुमार पर निशाना साध सकती है। वैसे भी राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि चिराग पासवान बिहार का भविष्य और राज्य की जनता इन्हें पूरा प्यार और सम्मान दे रही है। जानकारों के अनुसार लोजपा में बंटवारा होने से लोगों की सहानुभूति चिराग पासवान के तरफ कुछ ज्यादा ही हो गई है और संभव है कि आने वाले समय में यही सहानुभूति वोट का रूप ले सकती है। ऐसे में अगर आने वाले समय में चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा।